हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी ऐसी नाश्ता रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सूजी ब्रेड टोस्ट। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। चलिए फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें सूजी का बैटर बना लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी बारीक वाली सूजी ली है। अब इसमें हम एक चौथाई कटोरी दही डालेंगे। उसके बाद हम इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को मिला लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के हम सूजी को ढक्कन रख के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाए। तो 20 मिनट बाद हम ढक्कन खोल लेंगे और आप देख सकते हैं सूजी बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुकी है। और अगर आपको ज़रूरत लगी तो आप इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। तो सूजी को हमने एक बार अच्छी तरह से चला लिया है तो अब हम इसमें थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, बारीक कटा हुआ टमाटर, धनिया, कद्दूकस किया हुआ आलू, आलू को हमने छिलके निकाल के कद्दूकस किया है। इसके साथ ही हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम सूजी के बैटर में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो बस इस बैटर को हम अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आपको नमक और मिर्च थोड़ी सी कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल दीजिएगा। तो बैटर को हमने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और एक एक स्लाइस को हम ये सूजी का बैटर एक साइड से लगा लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपको बैटर को अच्छी तरह से ब्रेड को लगा लेना है। तो आप जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा लगा सकते हैं, क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा। अब इसी तरह हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस को बैटर लगा लेंगे। तो जितना बैटर हमने बनाया था उतने बैटर में हमने टोटल 7 ब्रेड स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। तो अभी हम इन ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से पैन पे फैला देंगे और उसके बाद ब्रेड की जिस साइड को हमने सूजी का बैटर लगा लिया है उस साइड को हमें इस तरह से पैन पे डाल देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से सेक लेना है ताकि सूजी अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो अब एक साइड से लगभग हमारा बैटर पक चुका है तो हमने इसे पलट दिया है और दूसरी साइड से भी हम इसे इसी तरह से सेक लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे ताकि हमारा टोस्ट बिल्कुल क्रिस्पी बने। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने 7 ब्रेड के स्लाइसेस को पहले सूजी का बैटर लगाया और उसके बाद मैं इन्हें टोस्ट कर ली हूँ। लेकिन जब आप इस रेसिपी को बनाएं तब बनाते वक्त आप जब ब्रेड को टोस्ट कर रहे हैं उसी वक्त बैटर लगाइएगा, वरना आपका ब्रेड जो है वो थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। तो दूसरी साइड से भी हमारा टोस्ट बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी बन चुका है। तो हमारा टोस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह मैं दूसरा भी टोस्ट बना के आपको दिखा देती हूँ। वाह, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन चुका है हमारा टोस्ट। तो दूसरा भी टोस्ट हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये टोस्ट भी हमारा रेडी हो चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी टोस्ट भी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे टोस्ट हमने यहाँ पे बना लिए हैं। इसके साथ हमने थोड़े से कुरकुरे और वेपर्स भी सर्व किए हैं और साथ ही में टोमेटो केचप भी सर्व कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेसिपी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।